विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इटली के टस्कनी शहर में 11 दिसंबर 2017 को भव्य तरीके से शादी कर ली। पर ये शादी एक गुपचुप शादी थी, पूरी तरीके से सीक्रेट शादी थी। पर क्या वो 5 बड़ी वजहें रही जिसकी वजह से विराट अनुष्का ने शादी को सीक्रेट रखा, आइए बताते हैं आपको। नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। सोमवार यानी कि 11 दिसंबर को विरुष्का शादी के बंधन में बंध गए। ये वेडिंग सेरेमनी पूरी तरीके से सीक्रेट रखी गई। लेकिन आइए जरा पॉइंट वाइज बात करते हैं कि आखिर इस शादी को दोनों ने सीक्रेट क्यों रखा। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला जो कारण आता है वो ये कि मीडिया को मैनेज करना मुश्किल होता है, इसीलिए उन्होंने शादी को सीक्रेट रखा। विरुष्का की शादी में दोनों के परिवार और चुनिंदा दोस्त शामिल हुए, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ी। विराट अनुष्का जानते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं और उनकी शादी हाई प्रोफाइल शादी होने वाली है, लिहाजा मीडिया में जबरदस्त कवरेज होता। इसके चलते सेरेमनी को मैनेज करने में उन्हें बहुत परेशानी होती, मीडिया को मैनेज करने में उन्हें बहुत परेशानी होती, इसलिए उन्होंने इसे सीक्रेट रखा ताकि मीडिया को मैनेज करने में दिक्कत ना आए। वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है कि उन्हें ज्यादा मेहमान ना बुलाने पड़े। दिक्कत मेहमानों को बुलाने में नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर गलती से कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति छूट जाता, इंपॉर्टेंट मेहमान छूट जाता तो समस्या होती। अगर वो भारत में शादी करते तो कहीं ना कहीं ज्यादा मेहमान बुलाने पड़ते, वो 500, 1000, 1500 मेहमान भी हो सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेहमानों को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत ये आती कि अगर कोई बड़ी शख्सियत इस शादी में आने से छूट जाता, उसे बुलावा नहीं जाता तो वो समस्या होती। इसीलिए उन्होंने वो संभावनाएं ही खत्म कर दी कि ये सारी चीजें बाद में रिसेप्शन में मैनेज कर ली जाएंगी, क्योंकि अगर भारत में शादी करते तो वो किस किस से इस शादी को छुपा पाते। वहीं पर तीसरी सबसे बड़ी वजह ये रही कि आदित्य चोपड़ा, जिन्हें अनुष्का अपना मेंटर मानती है, उन्होंने अनुष्का को सलाह दी थी कि वो एक गुपचुप शादी करें, सीक्रेट शादी करें। जाहिर सी बात है कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपनी शादी की थी। ठीक इसी तरीके से अनुष्का को भी सलाह दी उन्होंने कि वो बेवजह सुर्खियों में आने से बचें और इस शादी को गुपचुप तरीके से करके अपनी शादी एंजॉय करें। वहीं पर चौथा सबसे बड़ा कारण ये कि टीम इंडिया को इस शादी में शरीक होने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज में बिजी है, शेड्यूल पहले से तय था। इसीलिए भारत में अगर ये शादी होती और पूरी क्रिकेट टीम शामिल न हो पाती तो एक अलग बवाल बन सकता था, अलग खबरें बन सकती थी। और विराट भी नहीं चाहते थे कि उनके पर्सनल प्रोग्राम की वजह से टीम के शेड्यूल या खेल पर कोई असर पड़े, इसीलिए उन्होंने ये शादी गुपचुप तरीके से की। वहीं पर एक और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो ये कि विराट का पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखने में ही यकीन है। भले विराट क्रिकेट ग्राउंड पर कितने भी आक्रामक क्यों न दिखते हों, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी संजीदा हैं। और यही वो सबसे बड़े कारण थे जिसकी वजह से विराट और अनुष्का ने अपने शादी का खुलासा ज्यादा लोगों के सामने नहीं किया। इवन इनकी शादी के अरेंजमेंट में जो प्रोफेशनल लोग शामिल हुए थे उनसे भी विराट अनुष्का ने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाया था ताकि खबर कहीं भी लीक ना हो जाए, इनकी शादी की खबरें, तस्वीरें कहीं बाहर ना चली जाएं। तो इस तरीके से ये 5 बड़े कारण रहे थे जिसकी वजह से विराट और अनुष्का ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।